तो दोस्तों जब आप सो रहे होंगे और सो के जब आप उठते हो अपना मोबाइल फोन चेक करते हो तो उस मोबाइल फोन में एक ईमेल आया होगा, और जब आप उस ईमेल को ओपन करते हो तो वह ईमेल आपको एक एडिसन की तरफ से आया होगा, और उस एडिसन के उस ईमेल में लिखा होगा गाइज कि आपका जो यूट्यूब का पेमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया होगा। तो आपको किस तरह का फीलिंग आएगा मैं आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करूंगा। मैं पूरा अपना जर्नी आप सभी को बताऊंगा कि मैं किस तरह यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है वो है मेरे अकाउंट में आ गया है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोटिवेशन आपको मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सूर्य, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल सुपर सिक्सटी टेक्नोलॉजी। तो चलो सबसे पहले आप सबको बतलाता हूँ कि जब यार इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो हम अक्टूबर 2018 था, और कैसे यहाँ पे भी आप लोग जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप भी कहीं ना कहीं क्रिएटर हो, यूट्यूब पे वीडियो चैनल बना रहे हो और आप भी एक क्रिएटर हो गए। तो आपको कैसे पता होगा कि यूट्यूब पे स्ट्राइकर कितना ज़्यादा करना पड़ता है, कितना कॉम्पिटिशन होता है। तो जब मैं यहाँ पे यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था, मेरा एक फ्रेंड है, उनका मैं नाम में यहाँ पे अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा उसके ऊपर परमिशन के बिना। तो मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी ऑडियंस को या कोई सीखना चाहता है आपसे तो आप उनको सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो और वहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस मैं उस समय एक स्टूडेंट था, मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरा एवरी इंटेंशन था क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग करने से पहले मैं कुछ स्टूडेंट को पढ़ाया भी करता था, तो मैं एक मुझे अच्छा खासा पता था कि मैं चलो मेरी वजह से किसी का हेल्प हो तो बहुत अच्छी बात है। इस वजह से मैं यूट्यूब पे आया, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैं रेगुलर उस पर कॉन्टेंट डालता गया। और गाइस मैं यह नहीं सोचता था कि पेमेंट कब आएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज कब होगा। तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज गाइस नहीं हुआ, मैं रोज यूट्यूब स्टूडियो खोलता, YT स्टूडियो को खोलकर उसको रिफ्रेश करता और देखता कि आज कितना सब्सक्राइबर बढ़ा। तो गाइस ऐसा एक दिन था जब उसको मैं ओपन करता था, एक सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाता था दिल बहुत खुश हो जाता था कि चलो एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है। अगर एक सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब भी कर देता था तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता था कि यार एक सब्सक्राइबर मेरा चला गया, और हम लोग इसी में लगे रहते थे कि मेरा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा, वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा। तो मेरा कहीं ना कहीं बहुत ही गलत सोच था, और आप भी ऐसा ही कर रहे होगे। तो यहाँ पे गलत सोच का मतलब ये मत लेना, क्योंकि मैं आने वाला वीडियो में आप सबको बतलाऊंगा कि किस तरह से यूट्यूब पे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर आप बन सकते हो, आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। पूरा डिटेल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और मैं A to Z आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से यूट्यूब पे वीडियो डाला, SEO किया और A to Z मैं आप सबको बताऊंगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया और कंटेंट डालता गया तो गाइस लगभग मुझे 1 ईयर हो गया 2019। तो 1 ईयर बाद भी मेरा वॉच सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गया था बट वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं ऐसे ही छोड़ दिया था, बहुत ही डिमोटिवेट हो गया था। मैंने 3 महीना यूट्यूब पे काम करना बंद कर दिया था, ऐसे ही छोड़ दिया, कोई भी काम नहीं किया मैंने यूट्यूब पे। उसके बाद गाइस चलो फिर से वो मेरा फ्रेंड है, मुझे याद दिलाया कि तुम ऐसा मत करो, तुम वीडियो अपलोड करो इस पर। तो मैंने फिर से वीडियो बनाया और मैंने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद गाइस एक समय था कि मैं जब सोकर ही उठा था तो मैं मेल चेक किया तो वहाँ पे सो रहा था कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। वो ईमेल को देखकर यार इतना खुशी मिला था कि मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। आपको वो वीडियो का लिंक लास्ट में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको बाद में जाकर देख लेना। तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो बहुत खुशी मिला कि चलो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद यूट्यूबर के क्या चाहिए, अर्निंग चाहिए। तो चलो अब मैं भी सोचता था कि एक अर्निंग कैसे हो। तो सबसे पहले गाइस जब एडसन अकाउंट में आपका $10 हो जाएगा उसके बाद आपको एडसन गूगल ने एक मेल भेजता है, एक एडसन पिन भेजता है आपके घर पे जो आप एड्रेस दिया हुआ रहते हैं। तो चलो धीरे धीरे करके मतलब 2 महीना में मेरा $10 हुआ मेरे अकाउंट में, और उसके बाद वहाँ से गूगल ने भेज दिया। उसके बाद मैंने वेरीफाई किया तो वेरीफाई भी हो गया। उसके बाद गाइस मुझे यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आते आते 9 महीना लगे गाइस, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट पेमेंट आते आते 9 महीना लग गया। मैंने 9 महीना के बाद मेरा जो 3-4 दिन पहले गाइस 21 या 22 तारीख को मेरा पेमेंट आ गया था। मैं वीडियो नहीं डाल पाया किसी कारणवश, मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं
इस पे वीडियो नहीं बना पाया उस समय, तो मैं आज बता रहा हूँ आप सभी को। तो अगर गाइज आप YouTube पे आए हो और यूट्यूबर बनना चाहते हो, वीडियो डालते हो, तो आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको लेवरेट कंटेंट डालते रहना है और अच्छा से सीओ करते रहना है। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। अगर आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है, तो मैं भी अपना दिल से पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग भी यूट्यूब पे आए और यूट्यूब पे सक्सेस हो, यूट्यूब से अर्निंग करें। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसमें भी वीडियो बना लूंगा। और यहाँ पे काफी गर्मी हो रही है, आप लोग मेरा पसीना भी देख रहे होंगे। तो चलिए ज्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं ले जाता हूँ, और आप सभी को फिर से मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और सपोर्ट किया, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट मुझे करते रहिए ताकि मैं आप लोगों की भी मदद करते रहूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।